क्या आप भी इस रिकॉर्डिंग से परेशान हैं? नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। हाँ, क्या ये खांसी की आवाज आपको भी इरिटेट करती है? नोवल कोरोना वायरस। हाँ, क्या पहली बार आप बच्चन साहब की भी आवाज से पक चुके हो? कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ भाई हाँ। और क्या आपको पता है कि फोन तुरंत कट करने से और दोबारा डायल करने से ये मैसेज सुनाई नहीं देता? रियली सही आइडिया है यार, बट ये तो हमारे अवेयरनेस और सेफ्टी के लिए है, राइट? रॉन्ग। ऐसा हुआ था किसी वक्त जब कोरोना हमारे लाइफ में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था और हमें पता नहीं था कि इससे कैसे लड़ना है और कैसे बचना है। हाँ, अब तो हम सपने में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। मेरे तो सपने में भी लोग मास्क के साथ दिखते हैं। पुअर यू। सो द क्वेश्चन इज, आर दीज कोविड मैसेजेस स्टिल रेलेवेंट? अब तक तो हम कोरोना के बारे में इन एंड आउट जानते हैं और इस मैसेज का तो वर्ड टू वर्ड पता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैसेज चलना चाहिए। In fact, it is now causing inconvenience. Emergency calls are delayed by 30 seconds, which can be fatal. एक बार मैंने फ्रेंड को ट्रेन में देखा और मुझे उसे उतरने के लिए फोन करना था, लेकिन इस 30 सेकंड के मैसेज के वजह से उसकी ट्रेन चल पड़ी। ये तो छोटी बात है। What if there is a fire and we need to inform someone urgently? चलो ये सब भी छोड़ो और ये स्टैटिस्टिक्स को देखो। Average number of calls per day in India is about 300 crore. Average calls per phone is 3 calls per phone. तो उस हिसाब से 30 seconds के COVID message को सुनने में 1.3 crore man hour रोज waste होते हैं, which can be used for some constructive work. तो अब इसका क्या करें? Active हो जाओ and you can write to Telecom Regulatory Authority of India and raise your concern. You may also write to Consumer Forum and dart your complaint. There is a recent article in Economic Times addressing this problem. या फिर ये रहा हैक। फोन डायल करो, तुरंत कट करो और फिर रीडायल करो। कुछ नहीं तो 20 सेकंड आपका बच ही जाएगा। Thank me later. So on this note, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो and do hit the bell icon. See you with a new insight soon. यार मैडी ने फोन उठाया कि अभी भी वो मैसेज ही चल रहा है। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रुकें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 011-239-7804-6 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।